जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, पक्षी है, उड़ान मारते हैं, कोई और स्थान नहीं होता, जहाज पर लौटकर उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है, काम में व्यस्त हुआ और काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक, क्योंकि अब मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है, उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है, वहर मुठी 1/3 है। साधारणतः अब तक क्या था, वहर मुखी था मन का बहाव, तो जब आधा घंटा सुबह पूजा करते थे तो मन नहीं लगता था, क्योंकि दुनिया के विचार आते रहते थे। जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब मन पर निगाह डालो, दुनिया भी विचारों से भरा है, क्योंकि मन का बहाव दुनिया की ओर है, तो दुनिया की ही सोचेगा। अब उलटधार हो गई, मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज ऑटोमेटिक मन भरा रहता है दुनिया भी विचारों से, तब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। जब देखो परमात्मा का चिंतन, जब खाली परमात्मा का चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटधार है, और ये तरीका उलटधार करने का है। जब उलटधार हो जाती है तो काम बन जाता है, 99% सफलता प्राप्त हो गई। ये अभ्यास सबसे मुश्किल है, जिसने अभ्यास कर लिया उसको सफलता प्राप्त हो गई, 10% बाकी रह गया, वह भी आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। डॉक्टर मनोहर लाल है, मैं यहाँ पटना में हूँ, पटना के एनसेना इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ है गांधी मैदान में, वहाँ से मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ सोशियोलॉजी का। 1984 में मैं अपने एक मित्र राणा विजय बहादुर सिंह, उनके माध्यम से मैं सत्संग में आया। इस सेवक का नाम श्याम लाल गौतम है, हिमाचल प्रदेश में अर्की तहसील जिला सोलन से हूँ, एक सेवानिवृत्त अधिकारी। 1987 में परम पूज्य भाई साहब जी के चरणों में पहली बार उनके दर्शनों का मौका मिला और उनके चरणों में आया, और उसके उपरांत उसी पहली सिटिंग में ही शुरुआत होता रहा और अपने ऊपर दृष्टि पड़ती रही। उन्होंने कहा कि सत्संग एक ऐसा उजाला है जो अंधेरे कमरे में, जैसे कमरे को रोशन कर देता है, तो हमारे कमियों को, हमारे दोषों को दिखा देता है। वास्तव में ऐसा प्रभाव उस पहले दिन से ही पड़ा कि जीवन का एक लक्ष्य बन के रह गया कि इसका प्रचार प्रसार और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। तो परम पूज्य भाई साहब जी का जैसा मिलने का तरीका, भुजाओं में लेकर के गले मिला करके ही मिलना, और बिछुड़ते वक्त तो अश्रुपात हो ही जाता था। जय सतगुरुदेव, जय पाशर्णम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम,
मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः नाम न जाने धाम न जाने जाने न सेवा पूजा जाने बस इतना अजान हम एक बिना नहीं दूजा नहीं दूजा तुम आशा विश्वास हमारे तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे तुम आशा विश्वास हमारे रामा तुम आशा विश्वास हमारे तात मात तुम बंधु भ्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो तात मात तुम बंधु भ्रात हो दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो दीपक सूर्य चंद्र तारक में राम तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे राम तुम आशा विश्वास हमारे तुम धरती आकाश हमारे सांसों में तुम आते जाते एक तुम्ही से हैं सब नाते सांसों में तुम आते जाते एक तुम्ही से ओ परमात्मा तू ही है तेरी इच्छा पूर्ण बांट दिए सब शायद जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेय शुरु जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम्।
श्री यशुरूप चरणो शरणो जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्री यशुरूप चरणो शरणो जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्री यशुरूप चरणो शरणो जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्री यशुरूप चरणो शरणो जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्री यशुरूप चरणो शरणो जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्री यशुरूप चरणो शरणो जय सद्गुरुदेव जय पद शरणो श्री यशुरूप चरणो चरणो शरणो जय सद्गुरुदेव
शरणम श्रेयस्वरूप चरणम शरणम जय सद्गुरुदेव जय पद 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 शरणम श्रेयस्वरूप चरणम शरणम योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677